मुल्तानी मिट्टी, और जिसको जो गांव में पेपर मैसी के नाम से भी जाना जाता है। पेपर मैसी से अभिप्राय है कि गांव के जो लोग हैं वो पारंपरिक रूप से किसी भी वस्तु विषय वस्तु को ख़राब नहीं होने देते। गांव में जो घर में कागज होते थे उनको गला करके बोइए बनाने की परंपरा है, उनको गला करके हारे बनाने की परंपरा है, उनको गला करके आप देखते हैं कि पूरे जो चक्की की चूल है वो बनाने की परंपरा है। इसके अतिरिक्त जो स्टोरेज के लिए बहुत से चून रखने के जो बर्तन थे वो बनाने की परंपरा है, जो अंगीठी बनाने की परंपरा है, चूल्हा बनाने की परंपरा है, बोइए बनाने की परंपरा है, छोटी बोनी बनाने की परंपरा है, मटके बनाने की परंपरा है। कहने का अभिप्राय यह है कि गाँव की जो ग्रामीण संस्कृति है उस संस्कृति में हम किसी भी विषय वस्तु को खराब नहीं होने देते और उसका सदुपयोग रिसाइकलिंग के रूप में करते हैं। ये जो परंपरा है पेपर मैसी की, इसमें हमने दिखाया है कि किस प्रकार हम किस तरीके से, यहाँ पर देखते हैं आप, इसमें कागज है, उसके बाद लुगदी है, फिर लुगदी बनने के बाद और फिर उसके प्रकार उसके बाद मुल्तानी बनने के बाद, ये हमारी लोक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्तमान में गाँव में बोइए बनाने की परंपरा लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन इस भाग के माध्यम से हमने दिखाने का प्रयास किया है कि हमारी जो लोक सांस्कृतिक परंपरा है उसमें पेपर मैसी या बोइए बनाने की कितनी परंपरा है और बोइयों के कितने प्रकार होते थे, किस प्रकार बोइए में बाकड़ी बांटी जाती है, किस प्रकार बोइए में गुड़ बांटा जाता है, किस प्रकार बोइए में पतासे बांटे जाते हैं, किस प्रकार बोइए में लड्डू बांटे जाते हैं। इसीलिए बोइए को ठाठिए की संज्ञा भी दी गई है। वो सारे ठाठिए यानी कि लोक जीवन में ठाठ करने के लिए लोगों के लिए बनाए गए हैं, वो सारी विविधताएं हमने इस भाग में दिखाई हैं और इसमें हमारी संस्कृति का यह भाग बहुत महत्वपूर्ण भाग है। लेकिन वर्तमान में यह भाग लगभग जो समाप्त हो चुका है, इसलिए धरोहर में हमने इसको स्थान दिया है।